सब्सक्राइब कीजिए डीएपी हिंदी गेमिंग को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत है डीएपी हिंदी गेमिंग में। और आज हम खेल रहे हैं फिर से असैसिन क्रीड और ये है उससे अगला पार्ट, पार्ट 11 शायद। और मैप में मैं देख लेता हूँ पहले जाना कहाँ है। पहले हम पिक पॉकेट पर लॉक करना है टारगेट और उसके बाद पिक पॉकेट हमें कर देनी है शुरू। चलते हैं डायरेक्टली पिक पॉकेट की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 30 मीटर्स की दूरी पर है और पहुंच गए हम। अरे नहीं नहीं, पिक पॉकेट पे नहीं आए हम, आए पहले एक व्यू पॉइंट पे। गलती के लिए माफ़ी चाहिए। इस बंदे को मैं असैसिनेट करता हूँ। रुक जाओ, आजा आजा आजा, ये ले, कहानी ख़त्म। आराम से हेल में जा। तो इसका छोर किधर है जिधर से हमें देखना है? तो चील बैठ गया, उड़ गया, जो भी करना उसे कर गया है। ऊपर चढ़ के हमें इस पर देखना है व्यू पॉइंट से कि चल क्या रहा है शहर में। तो शहर में जो भी चल रहा है वो हमें मिल गया है, देख लिया हमने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैप पे सब कुछ आ गया है और हम घास या भूसा जो भी है सूखा, तो चलते हैं आगे। यहाँ से पतली गली पकड़ के हमें जाना है आगे। सिंक्रोनाइजेशन बार हो गया है अपडेट और ये रहा हमारा पिक पॉकेट। इस बंदे पे हम कर देते हैं लॉक। इनकी बात सुनने के बाद हम करेंगे डायरेक्टली पिक पॉकेट। तो बगल में ही मुझे सोल्जर्स दिख रहे हैं जो तलवार पकड़ के खड़े हैं। जैसे ही कुछ होगा तलवार निकालेंगे और केओ करना स्टार्ट कर देंगे मेरा। तो सावधानी से करना होगा बहुत ही पिक पॉकेट, इनकी बातें पूरी हो जाए। Stay strong, brother. Yes, and you. तो भाई हमेशा मजबूत रहना, ऐसी कुछ बात है। तो पिक पॉकेट की मेमोरी इम्प्रिंट शुरू हो गई है। हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड मौजूद हैं। आजा आजा आजा। तो इसकी पोटली में से हमने पिक पॉकेट कर लिया है, गार्ड के सामने से बहुत ही अच्छे से पिक पॉकेट करी है बिना किसी को पता लगे। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। गार्ड बहुत है यार यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया है? तो ये रहा हमारा ब्यूरो। चलते हैं असैसिन ब्यूरो में। ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है कह सकते, लगभग 150 मीटर्स की दूरी है। इतने की तो रेस होती है, ये अच्छी बात है। तो कलाबाजी दिखाते दिखाते जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। अगर बीच में एक झंडा मिल गया तो, अगर बीच में गार्ड्स ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर से जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ गार्ड्स का ख़तरा थोड़ा कम रहेगा। और अगर कोई मिलेगा भी तो बीचों से असैसिनेट करते चलेंगे। तो इधर से हम आगे नहीं जा सकते, इधर से सीधा घास में कूदे हैं हम बहुत ही अच्छे से। सीढ़ियों से चल रहे हैं ऊपर और लगभग 70 मीटर्स की दूरी है, तो लगभग आधी दूरी तक हम आ गए हैं। थोड़ा और दूर जाना है तो जल्दी हम पहुंच जाएंगे असैसिन ब्यूरो। लगभग पहुंच ही गए हैं हम असैसिन ब्यूरो, बस ये रहा आगे सामने बगल में, ये रहा असैसिन ब्यूरो। चलते हैं यहाँ से डायरेक्टली नीचे, अपने दोस्त से बात करते हैं, उसे हम देंगे इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया और वो हमें देगा इजाज़त मारने के लिए उन्हें। तो कह रहा बोलो और मैं जज करूँगा। तो बुक निकाल लिया इनने धूल मिट्टी वाली और इसमें कुछ एंट्रीज कर रहा है ये। इसके बाद ये हमें देगा एक फेदर जिसमें हमें खून लगा के लाना होगा। Once the king has left, William will retreat into his fortress to brood. He'll be distracted. That's when I will strike. You're sure? तो जब वो distracted होगा तब हम उस पर अटैक करेंगे और उसे assassinate करके अपना ये वाला भी काम खत्म करेंगे। तो इतने दे दिया हमें फेदर और साथ में इजाजत भी, तो हम फेदर ले लेते हैं। लिया नहीं, अबे फेदर तो ले ले अंकल। अच्छा
a return when the deed's been done. Remote बंद था इसलिए काम नहीं कर रहा था ये. Fast forwarding memory to a more recent one. Memory fast forward हो गई है recent one से और हम उठ गए हैं सो के शायद. Strike the William, meet with Richard. तो हमें विलियम को टपकाना है जब वो रिचर्ड से मिल रहा हो. चलते हैं ब्यूरो से वापस. चेक पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं. देखते हैं कहाँ जाना है. तो चलते हैं जहाँ हमें जाना है ऑब्जेक्टिव की तरफ. तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा दूर है, लगभग 300 मीटर की दूरी पर है. तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा. अगर रास्ते में कुछ और काम हुआ तो वो भी करता चलूँगा. कूदो यहाँ से सीधा भूसे में. अगर आपको किसी को पता हो ये भूसा है या फिर घास तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एक का मटका मैंने फोड़ दिया और भिखारी मेरे पीछे पड़ गया है. पतली गली पकड़ के निकलना होगा या फिर ऊपर से. तो इंडिकेटर मेरा पीला है, मतलब गार्ड्स को मेरे पर थोड़ा बहुत शक है. ये शक यकीन में बदल जाएगा अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो. तो छत पे पहुंच गए हम और यहाँ से इस वाली छत पर हमने छलांग मारी है. ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है. यह हंस कौन रहा है भाई. यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर. स्पाइडरमैन का भैया है ये, देखो कैसे चढ़ता है. तो इधर ही है हमें जाना सीधा यहाँ से. अरे चलो बच गया, पावर कम नहीं हुई. मेरे को लगा पावर कम हो जाएगी इतना ऊँचे से कूदा हूँ मैं. तो आगे ही जाते हैं. ऑब्जेक्टिव है 70 मीटर की दूरी पर. तो चलते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव की ओर बिना बीच में डिस्ट्रैक्ट हुए. तो बगल में मुझे एक व्यू पॉइंट दिख रहा है जिसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. और लगभग 50 मीटर की दूरी पर वो रिचर्ड से मिलेगा. विलियम को टपकाना है. यहाँ पर जगह खाली खाली है हल्की. तो ये रही सभा सी चल रही है ये कोई. तो इसी सभा में हमें उसे सुलाना है. तो सबके कपड़े ब्लैक से हैं और मेरे वाइट. तो मैं ही पिटूंगा लग रहा है. घोड़े पर आया है भाई साहब दूल्हा बन के. तो इस दूल्हे को हमें दूल्हे के पास पहुंचाना है. नहीं, दूल्हे को दूल्हे के पास नहीं पहुंचाना है, दूल्हे को ऊपर पहुंचाना है. तो घोड़ा तो काफी जबरदस्त है इसका. सजा धजा के इनने अपने से ज्यादा बढ़िया घोड़े को कर रखा है. और साथ में इसके सैनिक भी घोड़े पर ही है. Your words are most unkind, my liege. I would hope I might have earned your trust by now. You are Arca's breach. तो अभी तक हमने कोई लड़ाई नहीं की है. जब हम इसे assassinate करेंगे तभी हमें लड़ना होगा. Perhaps you'd like my crown. देखते हैं लड़ना होगा या फिर भाग के काम चल जाएगा. एक assassinate हो assassin होने के नाते हमें भागना ही सबसे पहले बढ़िया ऑप्शन होगा हमारे लिए. देखो घोड़ा कितना सज रहा है इसका, दाढ़ी वाला. तो घोड़ा भगा दिया है इनने आगे. और इसके सैनिक के घोड़े ब्लैक वाले कपड़े में. तो हमें अपने टारगेट को असैसिनेट करना है. किधर है, किधर है, किधर है मियां. I'm in no mood to be trifled with today. Yes, my lord. The rest of you, follow me. तो rest of you, follow him. तो कहाँ है, भाग गया क्या वो. तो फिर से वो 70 मीटर की दूरी पर है. अच्छा वो शायद आगे चला गया. वो हमें जाना है दोबारा से इसके अंदर. तो आ गए हम अंदर और कोशिश है जल्दी पहुंचने की मेरी वहाँ पे. तो ये रहा एक सैनिक
और यहाँ से मैं कूदता हूँ इस वाले पर, करूँगा इसे असैसिनेट। मजा आया भाई, बता दियो नहीं आया तो। और 7 मीटर की दूरी पर है, इसे करना असैसिनेट पीले वाले को। ओ यार गलती हो गई, कम ऑन। इसके एक मुक्का जड़ दिया पेट में। ईगल विजन मेरा अभी तक ऑन है, पर उसे ऑफ करने का टाइम नहीं है मेरे पास। इन लड़ाई कर लेता हूँ तो ऑफ हो गया वो अपने आप, या फिर अच्छा मेरे से दब गया वो बटन। कोई बात नहीं, हमें इसे टपकाना है और काउंटर करने की कोशिश। बढ़िया, इस बार नहीं हुई, पर कहते करके मुझे इन्हें मारना होगा। बहुत सारे बंदे हैं यार, मुक्का लगा जोरदार मुंह पे, तो 2-3 तो खत्म कर दिया। और असैसिनेट कर दिया हमने मेन वाले बंदे को अचानक से, बहुत ही अच्छा है। नाक आंख में खून निकल गए रेड की जगह। तो ये कह रहा है मैं जानता हूँ तुम रिचर्ड का मर्डर करने वाले थे और अपने बेटे के लिए लेने वाले थे वो। The Oncino is no better, blinded as he is by faith in the insubstantial. तो रिचर्ड को मर्डर करने से पहले हमने इसका मर्डर कर दिया। The city belongs to its people. How can you claim to speak for the citizens? You stole their food, disciplined them without mercy. ये कह रहा है ये सिटी यहाँ के लोगों की है, तो ये कह रहा है कि तुम कैसे सिटीजंस की तरफ से बोल सकते हो जब तुम उनका खाना ही चुरा लेते हो? So that when the lean तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम करप्ट हो। Look around. My district is without crime, save those committed by you and your ilk. And as for the तो ये कह रहा है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही सुख शांति से जी रहा है तुम लोगों के बिना भी। तो इसके कहने का मतलब है कि ये अच्छा बंदा है। पर मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही कि हमने इसे इतने सैनिक के बीच में मारा तो इससे पर्सनल टॉक कैसे हो रही है? ये इस गेम की सबसे अजीब बात है। कोई रीजन होना चाहिए इसका, या फिर ये इसके दिमाग में हो रही है मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर। तो सुला दिया हमने इसको, अपने फेदर से खून का इसका सैंपल ले लेते हैं जो हमें ब्यूरो में देना होगा। और फिर से हम सैनिकों के बीच में भागने की कोशिश, क्योंकि इतने सैनिकों के बीच लड़ना मेरे लिए ठीक नहीं होगा और मेरे ही हारने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कम ऑन, तो भागो भागो भागो, बस भागो। 340 मीटर की दूरी पर है हमारा ब्यूरो, ब्यूरो पर जाना होगा। नहीं ठीक, क्योंकि ब्यूरो अभी खुला नहीं होगा। और कहाँ मैं आ गया हूँ भाई, इन्होंने तो दबोच लिया एक तरीके से मुझे। ओह कमॉन, तो ये ले, 2 को काउंटर करके मार दिया। सारे बंदे यहीं आ रहे हैं भाई, कमॉन। एक गया, और ये कैसे अपने को ज़्यादा समझ रहा है, आ जा तुझे बताता हूँ। तो इनने धक्का देने की कोशिश करी पर मैंने काउंटर करा। ये तीर मार रहा भाई छाती में, हट। ये ले काउंटर, मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ यार, वरना ये लोग मेरे को लपेट देंगे यहीं। आजा आजा आजा, चल इसके तक ये तलवार बढ़िया है, वो ख़त्म, ये ख़त्म। तू तो ये मारने की कोशिश कर रहा था, काउंटर करा मैंने और बच गया मैं यहाँ से। भागता हूँ वरना और सैनिक आएंगे। तो यहाँ से वैसे नीचे जाने का था ऑप्शन, भूसों में कूदता हूँ मैं। ये तो रेड मार्क अभी भी है मेरे इंडिकेटर पे। नो, फिर से इन्होंने देख लिया मुझे, इतना बढ़िया छूटा था। बहुत लोगों से टकरा भी गया, कम ऑन। ये कैमरा कैसे अजीब सा कर रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। पत्थर मार रहे मेरे को, यहाँ कूद गया हूँ। चलते हैं, इनसे बचना होगा बहुत ही जल्दी। बहुत सारे सैनिक है मेरे पीछे और इंट्रो की तरह नहीं बच पाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे स्कॉलर्स तो दिख नहीं रहे हैं। अभी भी रेड मार्क मेरे पे है, अगर पीला होता तो मैं बच सकता था। पीला है पर यहाँ छुपने की जगह भी है, पर फिर रेड हो गया यार।
यहाँ बचने का बहुत अच्छा मौका था पर कर नहीं सकता क्योंकि रेड मार्क ऑन है। Come on, छत पे जाना होगा, वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि छत के गार्डन्स में मैं छुप सकता हूँ इनसे आराम से। पीला हो गया मार्क, मेरे को एक गार्डन ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। पावर कम हुई बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी पावर बची है, अगर किसी ने भी मेरे को मारा तो मेरा काम ख़त्म। और ये रहा एक गार्डन, ये बढ़िया हो सकता है बचने के लिए, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे चला जाऊँ इसी वाहन है। यहाँ पे भी है एक, आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहाँ से गिरा ना तो कहानी ख़त्म समझो। ब्यूरो की तरफ जल्दी जल्दी मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मैं पहुँच सकता हूँ बड़े आराम से। ये तो लगभग 72 मीटर्स की दूरी पर है, आसानी होनी चाहिए अगर बीच में कोई वॉरियर नहीं आया। पर अब मैं बच सकता हूँ लगभग क्योंकि मेरी पावर काफ़ी लौट गई है, जैसे जैसे मेमोरी सिंक्रोनाइज वापस हो जाता है मेरी पावर लौटती आती है, ये बहुत अच्छी बात है इस गेम की। और छुप ही जाते हैं यार फालतू में, क्या पता फिर से ये पकड़ ले मुझे। तो नीला सा हो गया मार्क हल्का हल्का बीच बीच में, इसका मतलब है कि वो तो मैं छूट गया हूँ, हरा हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। निकल के सीधा ब्यूरो में चलते हैं, तो ब्यूरो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ब्यूरो से पहले अच्छा हुआ हमने कर लिया, वरना ब्यूरो के अंदर नहीं जा पाते हम। ब्यूरो के अंदर जाते हैं, उसे देते हैं खबर कि विलियम ख़त्म हो चुका है, और चलते हैं वापस मसायफ अलमुअलिम के पास। With him, his plans for betrayal. You've done well so, keeping Akka from his hands. But why now, when the Crusaders require unity most? Could have waited. तो कह रहा है अभी क्यों किया, जब उनको ज़्यादा unity की ज़रूरत थी, थोड़ा रुक सकते थे हम. No, it was the perfect time for him to strike. तो ये कह रहा है ये perfect time था strike करने का. To take Akka for comrade, yet he claimed this was not his plan. You cannot trust the words of a snake. Which even in death produces venom. तो I should discuss this with कह रहा है तुम एक सांप के वर्डों का विश्वास नहीं कर सकते, वो मरते दम पे भी जहर ही उगलेगा। जहर उगलता है कोबरा का विष, नहीं कोबरा उगलता है विष, मायावी विष। तो मेमोरी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम, मेमोरी ब्लॉक 4 असैसिनेशन कंप्लीट। तो हम वापिस जा रहे हैं रियल वर्ल्ड में, तो एनिमस में लगता है फिर से कोई दिक्कत आ गई है। बहुत टाइम बाद हम आए हैं वापिस, वापिस आके अच्छा लगा। तो सेशन एंड हो रहा है, इसी काम से इस बुड्ढे को जाना है, इसीलिए रोक दिया गया है। एनिमस अब चल सकता है बहुत देर तक। तो बहुत टाइम बाद हम आए हैं बाहर, मैं तो भूल ही गया था कि इस गेम में ये भी है। They're coming for you. Who's coming for me? तो कोई हमारे लिए आ रहा है। Nothing to do with this. तो more important than you realized. Man, things just keep getting weirder and weirder around here. It was bound to happen. हमारे लिए असैसिन आ रहे हैं हमें बचाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो अब असैसिन भी नहीं है। Depicts a Templar? There's no way you could have known. They hide it. 10 मंथ हो गए हैं। इन्होंने हमें पकड़ रखा है इसलिए वो हमें बचाने आ रहे हैं। ये तो और ही अजीब होता जा रहा है। Sat around drinking beer, plotting world domination with like the lizard people. No, except the part about world domination, I guess. Look, Desmond, it's complicated. Half the stuff they say about the Templars comes from crazy tinfoil hat wearing nutjobs. The other half is misinformation intentionally produced by the Templars themselves. But they are the bad guys. तो एनिमस में देख ले कैसी प्रोग्रामिंग हो रही है नीचे की तरफ से। और इसका लैपटॉप में भी देख लो क्या हो रहा है। तो वो जो चाहते हैं वो अच्छा है, पर जो उनका तरीका है वो बेकार है।
फोन आ गया वापस इनके पास Lucy Yes Miss Dillon I need to speak with you Get up here now तो बुड्ढे ने इसे बुला लिया है कि मुझे तुमसे बात करनी है जल्दी यहाँ आओ तो इसे जाना है हमें सोना है हम भी इसके पीछे जाने की कोशिश करें क्या क्या पता निकल ही जाए जाऊँ क्या ये क्यों नहीं जा रही ये गेट क्यों नहीं खुल रहा मज़ा मैं जा रहा हूँ सोने बहुत थक गया हूँ मैं इतने बंदों को मारने के बाद कोई भी थक जाएगा तो किसी बटन से इंटरेक्ट कर सकते हैं हम बेड से और बेड से इंटरेक्ट करने का मतलब है सो जाओ खर्राटेदार नींद और ये पता नहीं कौन सी झलक दिखाती है द फॉलोइंग मॉर्निंग तो आज हम उठाने के लिए कोई नहीं आया इस बार ये कैसी बात है और चलते हैं बाहर कोई नहीं आया तो बुड्ढा वहाँ है लूसी भी यहाँ है तो वो इतना गुस्से में कह रहा है चला एनिमस में गुज्जा तो इन्हें जल्दी से जल्दी काम करना है कंटिन्यू करते हैं हम सीधा उसी मेमोरी ब्लॉक से पहुंच गए ड्राइविंग इंफॉर्मेशन हो रही है तो सीधा हम शायद अलमुअलिम के पास पहुंचेंगे और हाँ मेरा शक सही है हम अलमुअलिम के पास ही है अलमुअलिम भाई साहब बताओ अगला किसे टपकाना है किंग ऑफ डमास मर्डर्ड द नोबल्स हु रूल्ड हिज सिटी मेजदीन इन जेरुसलम यूज्ड फियर टू फोर्स हिज पीपल इनटू सबमिशन I suspect William meant to murder Richard and hold Akka with his troops. These men were meant to aid their leaders. Instead, they chose to betray William chahta tha Richard ko marna. I do not understand is why. Khud kabja karna chahta tha. Is not obvious? The Templars desire control. Each man, as you've noted, wanted to claim their cities in the Templar name. तो सब उस सिटी को पाना चाहते हैं अपने हाथों में करना चाहते हैं राज करना चाहते हैं उस सिटी पर इसीलिए हमें मारना हुआ उसको मारना पड़ा तो लगभग हमने अभी तक कितने बंदों को मार दिया पांच या छह असैसिनेट कर दिए हमने तो भाई साहब बहुत ही लंबी जेल होगी अगर हमें पुलिस ने पकड़ा तो इतने लोगों को मर्डर करने की खुशी में आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट कर दीजिए अगर किसी क्वेश्चन या सजेशन है अगर आपका कोई और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है He who holds it commands the hearts and minds of whoever looks upon it, whoever tastes of it. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बुड्ढा जल्दी मेरे हाथों से मरने वाला है बहुत ही दिमाग खराब करता है ये मेरा to be ready for when they held it. और इस पे मेरे को गुस्सा गेम की शुरुआत से ही है जब इन्होंने मेरे को चाकू मार दिया था बेमतलब का But what? चाकू मेरे कैरेक्टर के ऊपर दर्द मुझे हुआ They meant to gather up their people, make them like Gandhi's men. तो लगभग 25 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को थोड़ी और लंबी करते हैं A perfect world. Robert de Sable must never have this back. So long as he and his brothers live, they will try. Then they must be destroyed. Which is what I've had you doing. There are two more Templars who require your attention. तो दो और टेम्पलर्स हैं जिन्हें हमारी अटेंशन की जरूरत है और ब्यूरो लीडर से बात करके हमें उन्हें भी टपकाना है दो बंदों को हमें और टपकाना है फिलहाल अभी इस गेम में या फिर और उनको भी टपकाना हो मुझे नहीं पता कितने कितने टपकाना है ये तो शायद पार्ट 11 ही है अभी तो शायद गेम बाकी है मेरे दोस्त तो कह रहा वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे ये कह रहा वो मुझे पास ढूंढ नहीं पाएंगे इन ग्रेटिट्यूड फॉर द गुड वर्क यू हैव डन तो कम ऑन कन्वर्सेशन लगभग हो गई है हाँ खत्म कन्वर्सेशन खत्म इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टली अपने मिशन पर तो
हमें कुछ मिल गया है भाई साहब, पता नहीं है क्या है, तलवार लग रही है। रैंक 7 मेमोरी, न्यू एबिलिटी गेन, डिफेंस ब्रेक। तो डिफेंस ब्रेक पावर कम, डिफेंस ब्रेक हमें मिल गया है, इसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे नहीं करनी प्रैक्टिस, हम बिना प्रैक्टिस के ही बहुत अच्छे हैं। तो न्यू एबिलिटी से हमें फ़ायदा होगा। OBS फिर से रुका था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर ध्यान नहीं दिया तो, और ध्यान दिया तो माफ़ी। तो हमें डिफेंस ब्रेक मिला है जो कि काफ़ी, उसे धक्का दे दिया मैंने, इसे भी दे दिया, जो कि काफ़ी मददगार होगा लड़ाई में। वो डिफेंस को ब्रेक करने में मदद करेगा गुंडों के। चलते हैं हम अपने उसकी तरफ, अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो यहाँ से सीधा घास में कूदा हूँ मैं, बहुत ही टाइम बच गया है। 300 मीटर की दूरी पर मुझे मिलेगा अपना वाहन, प्रिय वाला, प्रिय वाहन पे बैठ के जाऊँगा मैं अपने अगले देश या अगले गांव, जो भी है, अगले शहर शायद। तो 300 मीटर से पहले घोड़े पर हम बैठते हैं, अपने कपड़ों के मैच वाला घोड़ा लेंगे और भगा देता हूँ मैं घोड़ा। ये रेड डेड रिडेम्पशन शुरू। तो दोस्तों, रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी आ रही है, अगर आपने उसका ट्रेलर ना देखा हो तो आप उसका ट्रेलर देख सकते हैं। मैं आपको एंड में एक वीडियो के एंड स्क्रीन दे दूंगा उस वीडियो के लिए, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और गेम बहुत ही अच्छी लग रही है। और रेड डेड रिडेम्पशन के ग्राफिक्स भी इस गेम से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये गेम काफ़ी पुराना है। मैं ये गेम इसलिए खेल रहा था क्योंकि मैंने असैसिन क्रीड कभी खेली नहीं है, इसलिए मैंने ये गेम शुरू किया था। तो ये है, हमें जाना है, कहाँ जाना है हमें, सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन हमने चुन ली है, और हम डायरेक्टली मेमोरी ब्लॉक से ट्रैवल करते हुए अपना डांस दिखा दिखा के वहाँ पहुँचेंगे। तो घोड़े पे ही आऊँगा, ये मैं मेमोरी ब्लॉक के अंदर घोड़े के साथ नहीं आता, ये काफ़ी अजीब बात है। कितनी देर लगेगी, ये समझ गया ना मैं क्या हो रहा है। हॉट कॉफ़ी मोड की वीडियो देखी थी, अगर देखी थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कैसी लगी। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे कमेंट करने को आपको ज़रूरत है बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा। तो हम आ गए हैं अपने अगले शहर, और यहाँ से लेते हैं यू टर्न, और यहाँ आगे से भी लेंगे यू टर्न। हम इस शहर में पहले ही 2 या 3 बार आ चुके हैं, हम यहाँ सबसे पहले आए थे तो हमें लड़ाई करके स्कॉलर्स के बीच में जाना पड़ा था। इस बार भी स्कॉलर्स वहीं खड़े हैं मेरे लिए, घुस जाता हूँ मैं इनके बीच में, और इन स्कॉलर्स की सहायता से ही मैं पहुँच जाता हूँ उसके अंदर। एक स्कॉलर छूट गया पीछे, ये हमें पकड़ आ जाएगा हमारे साथ। तो स्कॉलर्स जैसा, पादरियों जैसा बन के मैं इस शहर में घुसूंगा, क्योंकि सामने गेट पर सिक्योरिटी है बहुत हाई, जैसा कि आप देख सकते हैं 4-4 बंदे हैं। तो ये रहे इनके बीच में जाना, स्कॉलर्स को देखते ही ये साइड हो जाते हैं, और अगर मैं जाता तो धक्का मार के निकाल देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, इज्जत ही नहीं है अपनी तो यार कुछ। और इसीलिए मैं आके इनके शहर में किसी को टपका देता हूँ। तो आ गए हम अंदर, उस पर मैंने टारगेट लॉक करा, पर कुछ फ़ायदा नहीं, बेकार में मज़े के लिए। तो ब्यूरो, ये कह रहा है हमें, ब्यूरो जा के हमें उससे बात करनी है। तो मैं जा रहा हूँ ब्यूरो, अगर बीच में कुछ और मिला तो वो भी कर लेंगे, पर अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। हम शहर में कई बार पहले भी आ चुके हैं, सारी चीज़ें हमने पहले ही कर ली हैं, पर ये शहर बड़ा होता जाता है, हम हर बार जब तक आते हैं तो थोड़ा सा अनलॉक और हो जाता है जो हम पिछली बार एक्सेस नहीं कर पाए थे। तो ये सेव सिटीजन कह रहा है, तो सिटीजन सेव करें क्या, मुझे नहीं करना, जाता हूँ ब्यूरो के पास। तो किसी को मैंने धक्का दे के गिरा दिया और सोल्जर्स मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ। चढ़ता हूँ
बचना होगा इनसे और लगभग 70 मीटर की दूरी पर हैं हम। तो कह रहा है मैंने उसे देख लिया, तुम हमेशा नहीं भाग पाओगे इसके अंदर छुप। नहीं यार कमॉन, चलो बच गए, वरना ये देखो कहां कहां से निकल निकल के आ रहे हैं सारे सोल्जर्स। चलो बच गए हम, निकलेंगे इससे, कोई है तो नहीं, निकल गए। ब्यूरो की तरफ जाते हैं, 20 मीटर की दूरी पर यहीं पर है ब्यूरो, सामने मुझे दिख गया। इससे फिर से बात करते हैं, इस बंदे को हमने कई बार बात कर रखी है ऑलरेडी, जान गए हैं सही से। तो इट्स द हीरो ऑफ डमास, कम इन, स्टे अवे। तो ये कह रहा ये हीरो है, हीरो आ गया एक और को टपकाने के लिए आ गया। टू इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ, तो इट्स नॉट दैट। ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को कट कर दूँ, क्योंकि लगभग 30 मिनट की हो गई है, 32 मिनट की हो गई है एक्चुअली। तो ज्यादा की लिख रहा है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। I'm sure he has his reasons. Then you're familiar with the man. He's been quite busy these past few days, organizing the scholars and sending them into the streets to preach. What do they speak of? Light and fire. Cleansing sins, apocalyptic nonsense if you ask me. All this talk of paths and a new world. What about this new world? Couldn't say, I don't pay attention to the rambles of battle. Much too busy with real work. Or, very well, I'll walk among the people, see what I can learn. कह रहा है मैं walk करूँगा among people. Where would you suggest I search? South of here you'll find an academy and a guard tower. थैंक यू दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगर कोई कमेंट या सजेशन है या फिर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, वंदे मातरम।